भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का तीसरे दिन का खेल खेला जाएगा, जहां पहले दिन बारिश होने की वजह से बिल्कुल भी मैच नहीं हो पाया था। इस वजह से ही दूसरे दिन टॉस हुआ और भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 146 रन बना लिए हैं, जहां विराट कोहली भी 44 रन बनाकर नॉट आउट हैं और रहाणे भी 29 रन बनाकर नॉट आउट हैं। जहां कल के दिन भी मैच को रद्द करना पड़ा था, कल खराब रोशनी के चलते 63 ओवर ही हो पाए और मैच को रद्द करना पड़ा और इस वजह से भारतीय टीम को कल काफी परेशानी हुई थी। वहीं दोस्तों अब बात करें तीसरे दिन साउथहैम्पटन का मौसम कैसा रहेगा, तो हम आपको बता दें कि भारतीय समय अनुसार 3 बजे से 4:30 बजे के बीच वहां पर काले बादल छाए रहेंगे। हालांकि इसके बाद वहां से सभी काले बादल हट जाएंगे और वहां पूरे दिन का खेल काफी आसानी से हो पाएगा अगर वहां की लाइट सही रहती है तो, क्योंकि हमने कल ही देखा है कि रोशनी की वजह से वहां दूसरे दिन का मैच रद्द करना पड़ा था। ऐसे में अगर रोशनी की कोई परेशानी ना हो तो मैच होने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मौसम की वजह से शुरुआती 1-1.5 घंटे में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा और आपको डेफिनेटली तीसरे दिन का खेल होता दिखाई देगा, क्योंकि इंग्लैंड की वेदर रिपोर्ट यही बता रही है और भारतीय समर्थकों को यही उम्मीद रहेगी कि जहां कल से विराट कोहली और रहाणे ने जिस लय में बल्लेबाजी को छोड़ा था, उसी लय को आज बरकरार रखते हुए भारतीय टीम का स्कोर ये दोनों बल्लेबाज 300 रन के पार पहुंचाएंगे। दोस्तों अब आप अपनी कीमती राय में कमेंट में बताएं कि क्या आज का खेल पूरी तरह हो पाएगा या नहीं, क्या इसमें कोई दिक्कत आएगी, हमें अपनी कीमती राय आप कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।